हेलो, हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम बात करेंगे कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, यानी कि जो मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं आपके, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कई बार होता क्या है कि मिड टर्म के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल टर्म में ऐड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐड भी होते हैं। तो जब ऐड नहीं हो रहे होते हैं तब बच्चों को लगता है कि इसको देने से क्या फ़ायदा है, या फिर इसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं वो, ठीक है। जबकि ये जो तरीका है बहुत गलत तरीका है। गलत क्यों है वो मैं समझा देता हूँ। जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एक तरह से ये फाइनल की ही तैयारी है। मतलब जो मिड टर्म्स में आपने तैयार किया, ठीक है, जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपको फाइनल एग्जाम्स में काम आता है। कैसे काम आता है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उन पर विजिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो चैनल्स वाला सेक्शन है यहाँ से आप, ठीक है, दूसरे चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जो मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प कैसे करते हैं। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, मान लो मैंने मैथ्स उठा लिया, मैं बात करता हूँ मैथ्स की, ठीक है। अब मान लो मैथ्स में आपके, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, मान लो 12-13 चैप्टर हैं आपके टोटल, ठीक है, लेकिन मान लो कि शुरुआत में सिर्फ 6 चैप्टर आ रहे हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि मिड टर्म के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब होगा क्या, देखो, अगर आप मिड टर्म के एग्ज़ाम्स यानी अर्धवार्षिक परीक्षा को सीरियसली ले रहे हो तो आप इन 6 चैप्टर्स की तैयारी काफ़ी बढ़िया से करोगे, ठीक है। और तैयारी करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। मिड टर्म का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जो मिड टर्म का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको एक फीडबैक मिलता है कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ करी, कहाँ कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कहाँ कहाँ पे आपके वीक पॉइंट थे, ठीक है। तो इससे आप खुद को एक तरह से एनालाइज कर सकते हो कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी तैयारी किस लेवल तक रही थी इन 6 चैप्टर्स में। अब अगर मान लो यही 6 चैप्टर्स वापस से फाइनल में आएंगे तो जब आप इनको दोबारा पढ़ोगे तब आपको ये चैप्टर और आसान लगेंगे, आपकी यहाँ तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और इन 6 चैप्टर्स की वजह से जो बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं ना उनमें भी आपका अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपके ये 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार थे। अब ये तैयार क्यों होंगे अच्छे से, अगर आप इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से फेस करोगे, मतलब इनको इम्पोर्टेंस दोगे। अब मान लो किसी ने इनको हल्के में लिया तो उसके ये 6 चैप्टर भी चले गए, रिजल्ट बुरा आया और प्रेशर बन गया, तो फाइनल में वो और डूब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं ना, इनको आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। इनकी तैयारी आप ऐसे ही करो जैसे मान लो आप फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये करते हो तो आपको देखो और भी बहुत से बेनिफिट हैं। जैसे इन एग्ज़ाम्स को जब आप दे रहे हो, ठीक है, तब एक तरह से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने इन एग्ज़ाम्स को देते हुए फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है, स्ट्रेस को झेलने की एक थोड़ी सी हैबिट बना ली अपनी, ठीक है। जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होगे तब आपको उतनी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप इसको बिना दिए हुए अच्छे से फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे आपको, ठीक है, स्ट्रेस कई बार बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है और जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं ना वो भी हम छोड़ देते हैं। इसीलिए इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो। दूसरा क्या, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई, दूसरा टाइम मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें टाइम तो उतना ही मिलता है जितना फाइनल एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो भी हमें टाइम मिल रहा है उसमें अपना पेपर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बातें हमें पता लग जाएगी, तो उस हिसाब से हम इस एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, यहाँ से सीख सकते हैं कि यार उस बार मैं स्लो रह गया था, मेरा टाइम कम पड़ गया था तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, कैलकुलेशन एरर हो गया था, ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन एरर भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लग पाएंगी जब आप इन एग्ज़ाम्स को सीरियसली लोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। दूसरी बात क्या है, देखो एक और ख़ास बात होती है, जैसे मान लो 10th 12th में हो या फिर 8th 9th किसी में भी हो आप, ठीक है, कुछ मार्क्स इंटरनली होते हैं टीचर्स के हाथ में। जैसे मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है तो ज़्यादातर पैटर्न ऐसा है कि 20 नंबर टीचर के हाथ में है, जो आपको आपने कैसा साल भर परफॉर्म किया है उसके हिसाब से वो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कुछ मार्क्स प्रैक्टिकल के भी हों, कुछ अलग अलग चीज़ों के होंगे, लेकिन इतना पक्का है कि अगर आपका ये रिजल्ट अच्छा आता है मिड टर्म का तो आप टीचर की नज़र में चमक जाओगे, ठीक है ना। एक साइड फैक्टर बता रहा हूँ आपको कि मान लो मिड टर्म का जो रिजल्ट है, खास करके 10th और 12th वालों ध्यान से सुनना, जो मिड टर्म का रिजल्ट है, अब मान लो ये आपका काफ़ी अच्छा आया
तो इससे होगा क्या कि जो भी टीचर, जो भी सब्जेक्ट टीचर है या क्लास टीचर है, आप उसकी नज़र में रहोगे कि हाँ इस बच्चे ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था। तो कई बार चांस रहता है कि जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जो कि टीचर ठीक है खुद चढ़ा देते हैं कई बार अच्छे से, ठीक है, हालांकि एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि बहुत बार उसमें टीचर का भी रोल रहता है कि अगर बच्चा अच्छा है, उसका प्रैक्टिकल थोड़ा ख़राब भी हुआ लेकिन उसने मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं ना वो अच्छे मिल जाते हैं। और यहीं पे अगर आपका ये रिजल्ट डूबा रहेगा तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी डूब जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ यार, जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं ना आपके, इनको बिल्कुल हल्के मत लो, इनकी तैयारी ऐसे ही करो जैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हों, ठीक है, ये आपको हर फील्ड में मदद करने वाले हैं, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, या टीचर की नज़र में अच्छी इमेज हो जिसकी वजह से आपको हो सकता है प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले, ठीक है। और एक बात और होगी जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ये रिजल्ट आपका बढ़िया आता है ना, तो आपकी खुद की नज़रों में एक अच्छी इमेज रहेगी कि यार मैंने जब यहाँ पे इन 6 चैप्टर्स में अच्छा से परफॉर्म किया तो मैं बाकी के में भी तो कर सकता हूँ। और यहीं पे अगर ये ख़राब आएगा, ठीक है, ये 6 चैप्टर आप अच्छे से मिड टर्म में ही नहीं दे पाए, फिर आप सोचोगे यार जब 6 चैप्टर ही नहीं हो पाए थे, अब मान लो अगर एग्जाम में सारे ही चैप्टर आ गए या ज़्यादा सिलेबस आ गया मिड टर्म से, थोड़ा ज़्यादा आ गया फाइनल में, तब आप सोचोगे यार जब कम सिलेबस में नहीं हो पाया था तो ज़्यादा सिलेबस में कैसे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो पूरे साल आपके साथ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन अगर यहीं बुरा कर दे रहे हो तो इसका इफेक्ट और बुरा कर दे रहा है बाकी चीज़ों, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मिड टर्म्स के एग्जाम्स हैं इनको बिल्कुल हल्के मत लेना, इनकी अच्छे से तैयारी करो। इस चैनल पे सारी वीडियोस हैं जो आपको चाहिए मिड टर्म्स के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, हालांकि प्लेलिस्ट सेक्शन मैंने बना रखा है, तो जाओ वहाँ से देखो। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करो, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, फिर से बोल रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम्स को बहुत अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फाइनल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।